रेवाड़ी की पॉश कॉलोनी मॉडल टाउन में लंबी चौड़ी सड़कें होने के कारण अधिकांश लोगों ने अपने घरों के आगे दुकानें बनाई हुई हैं, और यह कहें कि जिला प्रशासन की निष्क्रिय कार्यप्रणाली के चलते यही रिहायशी कॉलोनी व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बन गई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मगर पूर्ववर्ती सरकारों में जिला प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे लोगों ने यहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठान खोलने के साथ साथ भारी मात्रा में अवैध कब्जे तक कर लिए। मगर अब सत्ता परिवर्तन होते ही रेवाड़ी नगर परिषद की आंखें खुल गईं और आज यहां अपने विशेष अभियान के तहत दुकानों के आगे अवैध कब्जे हटाने के लिए पीले पंजे का कहर बरसाया। इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जल्द ही शहर के दूसरे स्थानों से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। जहां तक अवैध पार्किंग का सवाल है तो इसके लिए भी नगर परिषद द्वारा कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, जल्द ही पार्किंग का प्रबंध कर दिया जाएगा। ऐसा है अति आवश्यकता मॉडल टाउन है, जिसमें जो बड़ा भीड़ भाड़ वाला है, पब्लिक की डिमांड और दुकानदारों ने अपनी दुकान से ज्यादा आगे फुटपाथ को पार करके अतिक्रमण कर रखा था, जो कि हटाना अति आवश्यक था शहर को खुला रखने के लिए, आम पब्लिक के को राहत देने के लिए। नगर परिषद का अभियान इसी तरह जारी रहेगा। आपको पता है कोई काम करने के लिए धीरे धीरे कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनको अडॉप्ट करके नेक्स्ट कदम उठाया जाता है। हमने आने के बाद यहाँ कितने काफी ड्राइव चलाए हैं, ये नहीं एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जहाँ जहाँ से जरूरत है और वहाँ हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, एक शहर में नगर परिषद पार्किंग डेवलप कर रही है, जगह हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये एक समस्या है, मेरे संज्ञान में आई है, जल्दी इसका भी प्रयास करेंगे, लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था करेंगे। रेवाड़ी से आजाद टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।